अस्सलाम वालेकुम, आप सब के लिए एक बहुत ही एक अहम न्यूज़ जो आपको दी जा रही है इल्म की दुनिया की तरफ से, कि वो लोग जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोफेशन से शोबे से मुतसलिक है, मेरे कहने का मतलब वो लोग जो मुअल्लम हैं, जो टीचर जिनको हम कहा जाता है, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक इंतहाई खूबसूरत और एक अहम कदम उठा लिया गया है। वो ये है कि अब डॉक्टर्स इंजीनियर्स की तरह टीचर्स को भी आपकी जानब से, गवर्नमेंट की जानब से एक लाइसेंस दिया जाएगा। अब टीचर के पास भी एक लाइसेंस होगा। इसका मकसद क्या है, इसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं, भाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, तालीम की कारगर्दगी को बेहतर बनाने के लिए जो भी अच्छे और ग्रूम जो स्टैंडर्ड पे पूरा उतरने वाले लोग होंगे, उन लोगों को एक लाइसेंस दिया जाएगा। वो लाइसेंस होल्डर लोग लोगों को पढ़ा सकेंगे, पढ़ाएंगे। हर एक बंदा, आजकल हर एक बंदा अब टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, इसमें कोई रोक थाम नहीं है। लेकिन लाइसेंस होल्डर के पास आपके पास एक फैक्ट होगा, आपके पास एक गारंटी होगी कि ये बंदा एक अच्छे वे से इस सब्जेक्ट को लेके चल सकता है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर मुराद रास, उन्होंने ये गवर्नमेंट की पॉलिसी मुतारफ़ कराई है कि कुछ ही देर बाद या कुछ ही दिनों में आपके पास टीचिंग लाइसेंस मुतारफ़ करवा दिया जाएगा। हर एक के पास अपना एक टीचिंग लाइसेंस होगा। जो लोग भी इस शोबे से मुंसलिक हैं, जो भी सातजा हैं, उनको एक लाइसेंस दिया जाएगा। तो मेरा तमाम कैंडिडेट जो भी लोग टीचिंग प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे आसान बात जो आप लोगों को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, आप इलम की दुनिया की वेबसाइट के साथ मुंसलिक ले रहे हैं, आपको एक नोटिफिकेशन में पूरी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। अपनी जितनी भी असनाद हैं, अपनी जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, उनको आप किस स्टैंडर्ड पर लेके आएंगे, किस तरह उनको इकट्ठा करेंगे, फॉर्म किस तरह फिल किया जाएगा, आपको किस तरह टीचिंग लाइसेंस मिल सकता है, इस सारी इंफॉर्मेशन आपको एक क्लिक से मिल जाएगी। तो आपके लिए जो बार बार जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बताई जा रही है, वो ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से, गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो डॉक्टर मुराद रास एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने बताया कि गवर्नमेंट जो बहुत अच्छा खूबसूरत स्टेप लेने वाली, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा, वो ये है कि वो गवर्नमेंट हमें मतलब टीचर्स को लाइसेंस फराहम कर रही है, MBBS डॉक्टर्स की तरह, लायर्स की तरह। अब टीचर्स के पास भी लाइसेंस होगा, लाइसेंस याफ्ता लोग टीचिंग कर सकेंगे। इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। हर एक के पास कोई गलत सर्टिफिकेट तो नहीं होगा, जो वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स होंगे, वेरीफाइड टीचर्स होंगे, उनके पास लाइसेंस होगा कि वो टीचर हैं। इस तरह टीचर्स की इज्जत में, उनकी रिस्पेक्ट में, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। और ये मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन जो कदम इकदाम लिया गया है टीचर्स के लिए, वो ये है कि उनको लाइसेंस प्रोवाइड कर देना। मैं तो दिल से बहुत खुश हूँ और इस स्टेप को हुकूमत पाकिस्तान को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने हमें, मतलब मैं खुद भी बजाते खुद एक टीचर हूँ, तो हमें ये एक सनद दे दी, एक लाइसेंस दे दिया कि हमारे पास भी एक चीज़ आ गई कि भाई हम भी इस प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, और गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमें एक लाइसेंस मिल चुका है, एक सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो हम किसी भी जगह पर शो करवा सकते हैं डेट वी आर टीचर। अदरवाइज हमें बताना पड़ता है कि भाई हम टीचर हैं, और टीचर के पास किसी किस्म का कोई अथॉरिटी लेटर, कुछ भी कोई नहीं होता, कोई प्रोटोकॉल, किसी किस्म की कोई भी चीज़ उसको नहीं मिलती। तो ये सबसे खूबसूरत कदम था, और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया कि उन्होंने सातजा को इतनी इज्जत से नवाजा। तो आप लोगों के लिए बार बार एक ही अहम बात कि आप इल्म की दुनिया की वेबसाइट के साथ मुंसलिक रहें, इल्म की दुनिया की वेबसाइट के साथ मुंसलिक रहें, आपको एक नोटिफिकेशन पे, एक क्लिक करने पे पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आप हमारे पेज को लाइक करेंगे, तो जो भी इंफॉर्मेशन इससे रेलिवेंट, इससे रिलेटेड होगी, वो आपको थ्रू द नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।